आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 402 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं देखिए यूपी में नए मामलों से एक्टिव केस बढ़कर 1498 हो गए हैं, जिसमें लखनऊ में 338 एक्टिव केस शामिल है। इसी अवधि में यहां 83 लोगों को कोविड टेस्ट पॉजिटिव निकला है। लखनऊ में 7 मरीज कोविड वार्ड में भर्ती है। इस बीच इसी अवधि में अंबेडकर नगर में 1 मरीज की मौत भी हुई है। नोएडा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां मॉक ड्रिल के बाद अस्पतालों में तैयारियों का जायजा लिया गया, वहीं कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। नोएडा में 24 घंटे में 69 नए मरीज सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 350 हो गई है। 15 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। सभी मरीजों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, इनकी ट्रेवल हिस्ट्री भी ली जा रही है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इन सभी मरीजों के नमूने जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। रोजाना करीब 2003 मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं। जांच का आंकड़ा भी पिछले दिनों के मुकाबले दोगुना कर दिया गया है। सीएमओ ने बताया कि आगामी 2 दिनों में जांच का दायरा और बढ़ाया जाएगा। बागेश्वर में हो रहे खड़िया खनन का असर दिखने लगा है। मां कालिका मंदिर परिसर में जमीन लगभग 2 इंच खिसक गई है, जिससे मंदिर के बेस में दरार आने लगी है, जिससे मंदिर का एक हिस्सा झुकने लगा है। मंडला जिले के अंजनिया में कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस ने जुलूस भी निकाला, जिसमें स्थानीय विधायक और कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत तमाम पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। धौलपुर में मंत्रालयिक कर्मचारी लामबंद हुए और राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ पर कलेक्ट्रेट पहुंचे और सचिवालय के समान वेतन भत्ता 3600 ग्रेड पे प्रमोशन से लेकर तमाम मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बुलंदशहर के चिड़ावक गांव में स्कूली छात्र से मारपीट का मामला सामने आया है। प्राइमरी स्कूल में शिक्षक पर छात्र से मारपीट के आरोप लगे हैं। परिजनों ने मारपीट की शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी से की है। धौलपुर में बाड़ी में बाल कल्याण समिति को बड़ी सफलता मिली है। चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस की मदद से समिति ने 27 बाल श्रमिकों को रेस्क्यू किया है। मैनपुरी में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 24 घंटे में घटना को खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी विनोद कुमार ने घटना का खुलासा करने वाली टीम को 20,000 का इनाम भी दिया है। मधुबनी के बिस्फी प्रखंड में सरकारी नाले का निर्माण किया गया है। करीब 19 लाख की लागत से नाले का निर्माण हुआ। लोगों का आरोप है कि नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नाले का निर्माण कराया गया है। टनकपुर में पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अलीगढ़ जिले में पुलिस ने अपनी पति से बिछड़ी महिला की उसके पति के साथ दोबारा शादी करा दी। पुलिस के इस कार्य की लोग अब जमकर सराहना कर रहे हैं। बुलंदशहर में पति की रेल से कटकर मौत हो जाने के बाद पत्नी ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर 3 देवरों पर पति के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। मामला ककोर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो यूथ कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री से पोस्टकार्ड के जरिए 3 सवाल पूछने का अभियान चलाया है। कांग्रेस ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए यूथ कांग्रेस ने पोस्टकार्ड अभियान छेड़कर देश के प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछे हैं। हरिद्वार के सिटकुल थाना क्षेत्र में फैक्ट्री कर्मचारी की गुमशुदगी के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने गुमशुदा हुए कर्मचारी के शव को बरामद किया है। साथ ही कर्मचारी की पत्नी और एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है।
लखनऊ में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ट्रैफिक जाम के दृष्टिगत फील्ड पर निकली और पॉलिटेक्निक चौराहे का जायजा लिया। चौराहे को कैसे जाम मुक्त किया जाए उसके संबंध में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। नवादा में दत्तक ग्रहण केंद्र की बच्ची को मां की ममता मिली है। डीएम ने यू की दंपति को बच्ची को सौंपा है। डीएम उदिता सिंह द्वारा अभिभावक को बधाई एवं शिशु को आशीर्वाद प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। रांची में सचिवालय घेराव करने गए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ता चोटिल हो गए। रांची के सांसद संजय सेठ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दुमका में जरमुंडी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सामने पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया गया जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करना था।